दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर लड़कियां शादी करने के लिए तरस रही है लेकिन उनको शादी करने के लिए कोई लड़का मिलता ही नहीं है? तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मजेदार फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ये गांव ब्राजील में है। ब्राजील के इस गांव में 18 से लेकर 30 साल की लड़कियां भरी पड़ी है। लगभग 600 आबादी वाले इस लड़कियों के गाँव में 300 से ज्यादा लड़कियां शादी के लिए लड़कों को ढूंढ रही है। इस गांव में अनमैरिड लड़का मिलना मतलब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और यहां की लड़कियां जितना मर्जी कुंवारा लड़का ढूंढ लें लेकिन उन्हें कुंवारा लड़का नहीं मिलता, इसलिए मजबूर होकर उन्हें शादीशुदा आदमियों से शादी करनी पड़ जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें सारी उम्र कुंवारा रहना पड़ जाता है। लेकिन ज्यादातर लड़कियां शादीशुदा लड़कों से शादी कर ही लेती हैं। इस गांव को अब तक लगभग 100 साल हो चुके हैं और अभी तक इस गांव का सारी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। और इस गांव में रहने वाली लड़कियों की उम्र ज्यादातर 20 से 30 साल की है। ये सभी लड़कियां आत्मनिर्भर हैं। इस महिला समुदाय की मजबूत नींव मारिया सोरोकिना डिलेमा ने रखी थी। मारिया को 1891 में घर से निकाल दिया गया था और उन्होंने इस गांव को बनाया था। उन्हीं के कारण ये गांव आबाद भी हुआ। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हर जगह लड़कों की संख्या ज्यादा होती है और लड़कियों को शादी करने में कोई भी परेशानी नहीं आती है, बल्कि उल्टा लड़कों को लड़की ढूंढने में बहुत परेशानी आती है। लेकिन दोस्तों, इस गांव में अधिकांश लड़कियों की ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। दोस्तों, ब्राजील का ये गांव नोइवा कॉरिडियरो के नाम से जाना जाता है। ये गांव खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और दोस्तों, ये कस्बा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ की सुंदर और हसीन लड़कियां हैं और वहां की रहने वाली खूबसूरत लड़कियां शादी के लिए लड़कों की तलाश कर रही है। लेकिन इन खूबसूरत लड़कियों को शादी के लिए लड़के मिल ही नहीं रहे। दोस्तों, क्या आप ब्राजील जाकर इन लड़कियों से शादी करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।